हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की वीडियो हमारी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ऑनलाइन हुई परीक्षा समिति की बैठक में कोविड-19 को देखते हुए छात्र हित में क्या निर्णय लिए गए इस बारे में होने वाली है। SDSUV की तरफ से बताया गया असाइनमेंट में ज़्यादा नंबर आए तो रिचेकिंग होगी। जी हाँ, पूरी न्यूज़ की बात करते हैं। अगर इंटरनल असाइनमेंट में किसी छात्र के 80% से ज़्यादा नंबर आए तो असाइनमेंट विश्वविद्यालय के द्वारा दोबारा चेकिंग कराया जाएगा। असाइनमेंट के नंबरों में शिक्षण संस्थानों की मनमानी को रोकने हेतु और पारदर्शिता के लिए श्रीदेव सुमन गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर के विषम सेमेस्टर व अंक सुधार और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्रों की इस बार परीक्षा नहीं कराने के निर्देश जारी किए हैं। इन सभी छात्रों को कॉलेज व संस्थानों की ओर से कंडक्ट की जाने वाली असाइनमेंट परीक्षा के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। साथ ही में ये असाइनमेंट कॉलेज या संस्थान लेंगे, इसके लिए नंबर विश्वविद्यालय को 10 अगस्त तक भेजे जाने हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय ने इन असाइनमेंट की पारदर्शिता और कॉलेज एवं संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर MS रावत की ओर से कहा गया है कि जिस छात्र के असाइनमेंट में 80% से ज़्यादा नंबर होंगे उनके असाइनमेंट जरूरी तौर पर विश्वविद्यालय को भेज दिए जाएं, जहां श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से उनका दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा ताकि ये सत्यापित हो सके कि असाइनमेंट 80% से ज़्यादा अंकों लायक है या नहीं, क्योंकि इस बार छात्रों की पढ़ाई न होने के कारण इतने ज़्यादा अंक आने की उम्मीद कम है। ऐसे में कॉलेज एवं संस्थानों अपने छात्रों को मनमाने अंक तो नहीं दे रहे, विश्वविद्यालय किसको अपने स्तर पर रखेगा। सो गाइज, इस विषय पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के द्वारा बताया गया है कि 80% से ज़्यादा अगर किसी भी स्टूडेंट के असाइनमेंट में मार्क्स आते हैं तो उनके असाइनमेंट का मूल्यांकन एक बार दोबारा श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के द्वारा पुनः किया जाएगा एंड फिर उसको वेरीफाइड करके उनको मार्क्स दिए जाएंगे। आपको जानकारी दे दें, SDSUV की ऑनलाइन हुई परीक्षा समिति की बैठक में कोविड-19 को देखते हुए छात्र हित में काफ़ी सारे निर्णय लिए गए। इस दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं और बैक पेपर परीक्षा न होने के कारण असाइनमेंट के आधार पर परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मिड सम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को गत वर्ष की इसी वर्ष भी प्रोन्नत किया जाएगा। संबंधित कॉलेज चाहे तो असाइनमेंट के आधार पर भी परीक्षा करा सकते हैं। साथ ही में मंगलवार को विश्वविद्यालय के मुख्यालय में कुलपति डॉक्टर PP ध्यानी की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई परीक्षा समिति की बैठक में समिति के अध्यक्षों ने शाओ को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं कही। बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इस स्थिति में UG और PG कक्षाओं की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं और बैक पेपर नहीं होने के कारण कॉलेज स्तर पर ही असाइनमेंट के माध्यम से परीक्षाएं कराई जाएंगी। मिड सम सेमेस्टर के छात्रों को प्रोन्नत अथवा कॉलेज स्तर पर असाइनमेंट के आधार पर परीक्षाएँ कराएंगे। अंक सुधार परीक्षा के लिए जिन छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं उनकी परीक्षाएं भी कॉलेज स्तर पर असाइनमेंट के माध्यम से ही होंगी। साथ ही में कॉलेज की ओर से परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाइन भेजे जाएंगे। समिति ने निर्णय लिया है कि वार्षिक पद्धति के प्रथम और अंतिम सेमेस्टर, स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर, व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त से सितंबर तक कराई जाएंगी। वार्षिक पद्धति के स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों को के प्रथम वर्ष के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। सो गाइज, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो श्रीदेव सुमन गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है। तमाम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय व उत्तराखंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग न्यूज संबंधी जानकारी के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में पास में बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। धन्यवाद।